अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू फोटोशॉप वीडियो। इस वीडियो में हम जिस तरह लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक तो ये फाइल बनाई, ऑलरेडी फाइल थी, और इसके अलावा हमने सेव एज किया और एक नई फाइल हमारे सामने यहाँ बन के आ गई, जो कि आपने देखा कि कितनी बैड क्वालिटी है। कलर्स थोड़े से अच्छे हैं इसके, मीन्स के कलर्स भी काफ़ी डिम हो चुके हैं और दूसरे के क्वालिटी काफ़ी डाउन हो चुकी है। सो वो क्या तरीका है जिससे हम इसकी फाइल साइज भी ऐसे तरीके से अब हम जाते हैं उस तरीके में और उस कमांड को देखते हैं कि वो किस तरह काम करती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वो फाइल ली थी जो कि हमें ऑप्टिमाइज करनी है वेब के लिए, ठीक है। और हम लोग फाइल में फाइल में आते हैं सेव फॉर वेब में। सेव फॉर वेब का बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी भी इस फाइल को वेब के लिए सेव करें, और यहाँ से आप इसके डायलॉग बॉक्स को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। अब ये आप देखिएगा कि आपको ये बेसिकली ओरिजिनल पिक्चर दिखा रहा है। अच्छा, 100% जूम है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, 200%, और लेट्स मेक इट मे बी 300% जूम। सो अब आप देखिएगा कि हमारा फाइल साइज आप देखिए कितना हो गया, 400K तक हो गया। अच्छा यहाँ पर अगर आप आएँ इसके सीधे हाथ पे तो ये सेटिंग्स आ रही होती हैं इसके। तो अच्छा, नॉर्मली जेफ सेटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जेपैक सेटिंग्स आर द गुड सेटिंग्स जिसके ऊपर अच्छी क्वालिटी आती है। अब देखिए, मैंने जैसे ही जेपैक करा कि क्वालिटी इधर आ गई इस तरीके से, राइट। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर इस तो यहाँ से आप इसको हाई और लो कर सकते हैं। अब देखिएगा, आप यहाँ नोटिस कीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा, इससे पहले हम आते हैं इन दो लेवल्स के। ये अगर आप यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये है ओरिजिनल पिक्चर, दिस इज आप ओरिजिनल नज़र आ रहा है ओरिजिनल पिक्चर, ये और फाइल साइज ओरिजिनल का ये 2.4, ठीक है। और ये कन्वर्ट हुई है sRGB के अंदर, ठीक है। अब ये ऑप्टिमाइज्ड है जो आपने बनाई है, दिस इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू sRGB, और ये देखें फाइल साइज का कितना हो गया, जस्ट 200K, अराउंड 200K। लेकिन ये क्या है, 2.46 MB का फाइल साइज है इसका, और ये है 200 KB ओनली। और आप देखिए कितनी अच्छी क्वालिटी, ऑलमोस्ट परफेक्ट मेरे ख्याल से आ रही है। और मजीद आप यहाँ से क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं, लेट से वेरी हाई रख सकते हैं आप इसको। वेरी हाई भी रखने के बावजूद भी इट्स जस्ट 375K विच इज कन्वर्टेड टू sRGB, ठीक है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ टू अप में। टू अप बेसिकली क्या है, टू अप में एक तो ओरिजिनल पिक्चर यहाँ नजर आएगी और दूसरा ऑप्टिमाइज जो हुआ है वो यहाँ नजर आएगी। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ पहले लेफ्ट वाली पे, तो लेफ्ट पे बता रहे हैं कि ये आपकी ओरिजिनल पिक्चर है। ओरिजिनल पिक्चर में आप देखें 2.4 MB का फाइल साइज बन रहा है और ये क्वालिटी आ रही है। और ये है आप ऑप्टिमाइज जो हमने अभी वेब के लिए ऑप्टिमाइज करी है, वो ये पिक्चर है जिसमें जो है वो हाई रेजोल्यूशन है, वेरी हाई पे है, जेपैक बना हुआ है इसका। और सबसे बड़ी बात है कि इसका फाइल साइज देखिए इधर 2.37, मींस के तकरीबन मेरे ख्याल से अराउंड नॉट 100 नॉट 200 इनफैक्ट 500% से भी ज़्यादा मिनिमाइज हो गया फाइल साइज, और क्वालिटी स्टिल द सेम, क्वालिटी इज स्टिल द सेम। इवन कि अगर हम नीचे भी चले हैं तो क्वालिटी इज द सेम एंड फाइल साइज डाउन। सेकेंड ये कि अगर यहाँ से आप इसको और मज़ीद अगर आप फाइल साइज फाइल की जो वो है जो विड्थ और हाइट है वो कम करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से। और यहाँ प्रोग्रेसिव कर सकते हैं इसको, प्रोग्रेसिव से क्या होगा कि थोड़ा सा और फर्क पड़ेगा इसके फाइल साइज पे, डाउनलोडिंग इजी होती है और बाकी ऑप्टिमाइज कर लेंगे इसको। दूसरा है कि आपको अगर मज़ीद अच्छी और हाई क्वालिटी चाहिए सो यू कैन प्ले विद दिस क्वालिटी, लो कर सकते हैं और फुल हाई 100% कर सकते हैं। इवन के फुल 100% पे देखिएगा 570 KB तक का फाइल साइज बन रहा है एंड इट्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता मेरे ख्याल में, दिस इज एक्सेलेंट। तो मैं इसको वेरी हाई पे रखता हूँ जो कि अच्छा फाइल साइज आ रहा है, और मैं इसको यहाँ से ओके कर सकता हूँ। इवन के आप ऑप्टिमाइज आप वर्जन देख रहे हैं तो दिस इज ऑप्टिमाइज वर्जन एंड ओके। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स,
एंड दिस इज वेरी गुड। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है वेब के लिए, क्योंकि फाइल सेटअप का देखिए आप बहुत कम है और क्वालिटी बिल्कुल हाई क्वालिटी है, एंड वही क्वालिटी। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप प्रैक्टिस। इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा आप, और दूसरे के कोई भी कमेंट हो, कोई भी हेल्प हो, आप अपना कमेंट कीजिएगा, अपने हेल्प दीजिए, अपनी हेल्प पूछिएगा किसी भी तरीके से, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और सेकेंड ये कि अपनी ओपिनियन से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।